हेलो दोस्तों, फाइनली अपकमिंग स्मार्टफोन ऑफ अप्रैल 2023 का वीडियो फाइनली आ चुका है और सॉरी ये आने में थोड़ा सा लेट जरूर हो गया है, बट अप्रैल के मंथ में भी बहुत ही सारे अमेजिंग इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं जिसके लिए आप शायद वेट कर रहे हो। बट ये वीडियो पूरा एंड तक देख लो, आप हर स्मार्टफोन के बारे में जान जाओगे और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग क्रेजी वीडियो लाते रहते हैं। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, इट्स मी योर फ्रेंड कमलेश एंड यू आर वॉचिंग Tech Me More। दोस्तों अप्रैल का जो मंथ होने वाला है वो एज यूजुअल वो भी फुल ऑफ लॉन्चेस होने वाला है, मतलब आपको इसमें बहुत सारे अमेजिंग स्मार्टफोन लॉन्चेस देखने को मिल जाएंगे और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन भी लॉन्च होने वाला है, इसलिए बोल रहा हूँ ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो बातें करते हैं हमारे फर्स्ट नंबर के स्मार्टफोन के बारे में जो बेसिकली आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M54 5G। दोस्तों अभी रिसेंटली सैमसंग ने उनके 3 अमेजिंग स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, मतलब 2 ए सीरीज के थे और 1 एफ सीरीज का था, मतलब A54 5G, A34 5G एंड F14 5G, और वो तीनों के बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग या अमेजिंग स्मार्टफोन्स थे। और अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा तो देख लो यार, आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, वहां पे सिंपली चेकआउट भी कर सकते हो। बट अभी उनका M सीरीज का भी स्मार्टफोन आने वाला है और ये आपको somehow A54 की तरह देखने को मिल जाएगा। और अगर इसके की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, आपको इसमें वही 6.7 इंचेस का 120Hz का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, वही सेम प्रोसेसर मतलब Exynos 1380 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा जो बेसिकली OIS के साथ आता है, एंड इवन आपको इसमें 6000mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा जो बेसिकली 25W चार्जिंग को सपोर्ट करता है। मतलब स्पेक्स तो पूरा गर्मा गर्म है और ये बोला जा रहा है ये आपको अप्रैल के महीने में देखने को मिल सकता है। सो बात करते हैं हमारे दूसरे स्मार्टफोन के बारे में जो बेसिकली आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स GT10 Pro। हाँ दोस्तों, ये इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है क्योंकि अगर इसके की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, आपको इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 ये पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, 5000mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको बेसिकली 260 वाट का फास्ट चार्जर ब्रिक देखने को मिल जाएगा, मतलब लिटरली फुल ऑन पावरफुल होने वाला है। और ये भी बोला जा रहा है ये भी आपको अप्रॉक्स अप्रैल के करीब देखने को मिल सकता है, तो वेट करते हैं, देखते हैं कब लॉन्च होता है। सो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जो बेसिकली आता है IQOO की तरफ से, IQOO Z7 Pro। और आपको पता चल ही गया होगा कि ये बेसिकली IQOO Z7 का बड़ा भाई है, और अगर आपने वो IQOO Z7 वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लो यार, आपको भी वो आई बटन में देखने को मिल जाएगा, हम सिंपली चेकआउट भी कर सकते हो। और ये जो स्मार्टफोन होने वाला है ये भी बहुत ही कूल स्मार्टफोन होने वाला है, और अगर से कुछ की स्पेक्स के बारे में बात करें, आपको भी इसमें एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन 782 ये 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो बेसिकली एक नया प्रोसेसर है। हाँ दोस्तों, आपको इसमें एक नया प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा और ये भी बोला जा रहा है कि ये आपको अप्रैल के करीब देखने को मिल सकता है। और रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि आपको पोको की तरफ से भी एक अमेजिंग अपकमिंग स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पोको F5 के बारे में जो बेसिकली एक रीब्रांडिंग स्मार्टफोन है, और अगर से कुछ की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, आपको इसमें वही 6.67 इंचेस का 120Hz का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 ये नया प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, 5500mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा जो बेसिकली 67W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, और ये भी बोला जा रहा है ये भी आपको अप्रैल के करीब देखने को मिल सकता है। सो बातें करते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में जो बेसिकली आता है OnePlus की तरफ से। हाँ दोस्तों, OnePlus का Nord CE 3 Lite 5G, पता नहीं इतना बड़ा नाम क्यों है, बट ये आपको अप्रैल 4 को देखने को मिल जाएगा। और अगर से कुछ की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, आपको इसमें 6.7 इंचेस का FHD+120Hz का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन 695 ये प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, 5000mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा जो बेसिकली 67W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। और ये जो स्मार्टफोन है ये भी आपको काइंड ऑफ अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि OnePlus स्मार्टफोन खरीदने का एट लोएस्ट प्राइस तो आप इसकी तरफ देख सकते हो। बट OnePlus का और एक अमेजिंग स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है जो एक्चुअली बहुत सारे लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं। हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं OnePlus Nord 3 के बारे में, और अगर इसके कुछ की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, आपको इसमें 120Hz का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 ये पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, 5000mAh का बैटरी देखने को
मिल जाएगा जो बेसिकली 80 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। मतलब स्पेक्स तो बहुत ही अच्छा है और ये भी बोला जा रहा है ये भी आपको अप्रॉक्स अप्रैल के करीब देखने को मिल सकता है। दोस्तों रेडमी जो ये वाला स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है मुझे काइंड ऑफ ऑकवर्ड लगा, मतलब आज के डेट में भी ये स्मार्टफोन वो लॉन्च कर रहे हैं। हाँ दोस्तों रेडमी का नोट 12 सीरीज में और एक स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, मैं बातें कर रहा हूँ रेडमी नोट 12 4G के बारे में। हाँ दोस्तों एक 4G स्मार्टफोन है और अगर से कुछ की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें आपको इसमें 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन 695 ये प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा जो बेसिकली 33 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ आता है और ये भी बोला जा रहा है ये भी आपको अप्रैल के करीब देखने को मिल सकता है। बट हाँ एक चीज आपको ये है कि इसका जो प्राइस होने वाला है वो आपको नॉर्मल 5G वेरिएंट से थोड़ा सा या बोल सकते हो 2-3 हज़ार से कम देखने को मिल सकता है और अगर आप इंटरेस्टेड हो 4G स्मार्टफोन में तो ये जब लॉन्च होगा तब खरीद सकते हो। सो यही थे कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन्स ऑफ द मंथ अप्रैल 2023 और इसमें भी बहुत कुछ अमेजिंग स्मार्टफोन्स भी लॉन्च हो रहे हैं और कुछ ठीक ठाक स्मार्टफोन्स भी लॉन्च हो रहे हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बट हाँ एक चीज जरूर कर लेना, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना। सो टुडेज वीडियो इज एंडिंग अप, अगले वीडियो आने तक डू दैट मेक्स यू ऑसम एंड टेक केयर।